पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बार बार मन भटकता है, क्या करूं? ये वो मैसेज है जो हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। इस समस्या का सामना अक्सर तैयारी करने वाले छात्रों को करना पड़ता है। आज हम इस समस्या को समझने का प्रयास करते हैं और आशा है बहुत हद तक आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले उन कारणों को देखते हैं जिनकी वजह से अक्सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो सवाल स्टूडेंट बार बार हमसे पूछते रहते हैं। अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उस पर हम ठीक से फोकस नहीं करते, मतलब कि जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं तो मन में अंग्रेजी चल रही होती है और अंग्रेजी के समय में गणित। ध्यान रखिए कि एक समय में सिर्फ एक जगह ही मन लगाए तो रिजल्ट 100% मिलेगा। आपको पता है ना, यदि सूर्य की किरणों को भी यदि हम लेंस से फोकस करें तो कागज जलने लगता है। ये वो है फोकस का महत्व। तो आगे जो भी हम पढ़ें, पूरा ध्यान से अगर पढ़ते हैं, अगर हम 100% टाइम देंगे तो 100% हमें रिजल्ट भी मिलती है। तो टाइम के महत्व को समझो। ध्यान दीजिए, यदि किसी विषय में हमारी पकड़ कमजोर हो, हमारा मन उस विषय को पढ़ने में नहीं लगता, हम उस विषय को पढ़ना चाहते हैं जिससे हमारी पकड़ हो, क्योंकि जिसमें पकड़ होती है वो हमें अच्छे समझ में आता है। जैसे किसी को मैथ पढ़ने का मन करता है, मैथ पढ़ने में उसे मजा आता है, तो मैथ में पकड़ उसे अधिक हो जाती है और उसी तरीके से उसका मन भी नहीं भटकता। यदि ना होना और पकड़ होना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। आपको रुचि उसी विषय में आती है जिसमें आपकी बेहतर पकड़ होती है। जिस विषय में आपकी रुचि हो उसमें आपकी पकड़ स्वयं ही बेहतर हो जाती है। मेरा मानना है कि किसी भी विषय को बिना रुचि को 4 से 5 दिन लगातार नियम से पढ़ें। शुरू शुरू में हो सकता है आपको बहुत बोरियत फील हो, पर 4 से 5 दिन बाद आपको जैसे ही विषय में थोड़ी सी जानकारी बढ़ेगी आपको रुचि आना शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी वैसे वैसे उस सब्जेक्ट में आपको और पढ़ने में भी बेहतरीन तरीके से मन लगने लगेगा। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हर अच्छी लगने वाली किताबों को खरीदते जाते हैं और इस तरह हमारे पास किताबों का ढेर सारा ढेर लग जाता है। माना कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, परंतु ये भी मत भूलिए अधिक मित्र और अधिक किताबें आपके दुश्मन हैं। आखिर कैसे, क्यों, चलिए जानते हैं। जब आपके पास बहुत ज्यादा मित्र होते हैं तो कोई भी एक आपका काम नहीं आता, क्योंकि सब सोचते हैं कि उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, कोई भी आ जाएगा और कोई नहीं आता। इसी प्रकार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम ठीक से ये निश्चित नहीं कर पाते कि हम कौन सी किताबें पढ़ें, कि कौन सी किताब में पढ़ना है हमें, और किसी से पढ़ने लगते हैं तो कभी बीच से ही दूसरी किताब उठाने का मन करता है और एक भी किताब ठीक से नहीं पढ़ पाते। इसे बचने के लिए आप एक बार में आप एक निश्चित किताबें चुन लें तथा बाकी किताबों को उठा कर रख दें, फिर उन्हीं किताबों को पढ़ें तथा दूसरी किताबों के बारे में तभी सोचें जब आपकी पहली वाली जो किताब पढ़ रहे वो पूरी हो जाए। आजकल के डिजिटल युग में हम हर समय मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि से घिरे रहते हैं। इन सब में भी खास तौर पर मोबाइल फोन जो बहुत ध्यान भटकाने का काम करता है। फोन पर कुछ भी ना भी आए तो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे देखते रहते हैं। पढ़ाई करते समय इन सभी सामग्रियों को अपने से दूर रखें। मेरा मानना ये भी है कि फोन को पास से हटा ही दें तो आपका ध्यान पूरी तरीके से वहाँ पे जो भी स्टडी करेंगे आप फोकस करेंगे। और आखिर लाइन में हम ये भी कहेंगे कि स्टूडेंट जितने ज्यादा हो सके आप अपने आप पर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान रखो। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इन सारे ट्रिक्स को अपनाएं और बेहतर रिजल्ट आपके कदम चूमेगी। तो आज के लिए इतना ही।